हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेयर हाउसिंग के टाइप्स के बारे में। हम देखेंगे कि किस किस तरीके के वेयर हाउसेज होते हैं और उनका क्या काम होता है। सबसे पहले आ जाते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस पे। बॉन्डेड का मतलब क्या होता है? बॉन्डेड का मतलब होता है गिरवी। जब भी कोई वेयर हाउस हम गिरवी पे लेते हैं तो उसको हम बॉन्डेड वेयर हाउस कहते हैं। तो लिखा है प्राइवेट एंड पब्लिक वेयर हाउसेज कैन बी बॉन्डेड अंडर द कस्टम्स एंड एक्साइज एक्ट एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रेगुलेशन फैसिलिटेटिंग डेफर्ड पेमेंट ऑफ कस्टम्स। देखिए, बहुत सारे वेयर हाउसेज ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस गिरवी पे लेती हैं, ठीक है, उनको हम बॉन्डेड वेयर हाउस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत टाइम आपने देखा होगा कि नगर निगम वाले जो हैं वो जब प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स इन द सेंस, जब वो आप देखते हो कि बहुत टाइम कार लेके जा रहे हैं, किसी का पकड़ के, किसी का बाइक पकड़ के लेके चले जा रहे हैं, तो जब उनको वो तोड़ते हैं, ठीक है, रोड वाले कार को, बाइक को जब वो लेके पकड़ के लेके चले जाते हैं और मान लो कि कोई चुराने नहीं आया, उसको वो कहाँ रखते हैं? अपने घर के बाहर तो रखते नहीं हैं। तो उन सारे प्रोडक्ट्स को वो कहाँ रखते हैं? वो वेयर हाउसेज में रखते हैं जो कि वो गिरवी पे लिए होते हैं। उनको उस वेयर हाउसेज में रखते हैं और उसके बाद फिर मान लो कोई नहीं चुराने आया, वो उस प्रोडक्ट्स को फिर वहीं पर तोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर वहीं पर रखा होता है और फर्दर फिर आगे का सिस्टम होता है। तो बस समझाने का ये मतलब है कि वेयर हाउसेज जो होते हैं वो जब गिरवी पर लेते हैं प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसको हम बॉन्डेड वेयर हाउस कहते हैं। सेकंड आता है आपका फील्ड वेयर हाउसेज। फील्ड वेयर हाउसेज आर दोज विच आर मैनेज बाई अ पब्लिक वेयर हाउसिंग एजेंसी इन द प्रमाइसिस ऑफ अ फैक्ट्री और कंपनी विच नीड्स द फैसिलिटी फॉर बोरिंग फ्रॉम अ बैंक अगेंस्ट द सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स इन स्टोरेज और इन प्रोसेस बाई एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल वेयर हाउसमैन। या बस सिंपल तरीके से आपको ये समझना है कि जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी उधार पे लिया है, जहाँ पे आपने लोन पे प्रॉपर्टी लिया है एज अ कंपनी, उसी में आप, उसी पर्टिकुलर एरिया में आप एक वेयर हाउस रख रहे हो, वेयर हाउस मेंटेन कर रहे हो, जो कि आपका फील्ड वेयर हाउस होता है, ठीक है। बस इतना ही समझना है फील्ड वेयर हाउस में, कि इतना जो आपका लिखा है चार लाइन में, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि जहाँ पे कंपनी प्रॉपर्टी ली रहती है लोन पे, जो भी फैक्ट्री होता है या जो भी, जहाँ पे भी जो भी उसका एजेंसी होता है, फैक्ट्री होता है, जो कि वो लोन पे ली रहती है, वहीं पे वो एक वेयर हाउस मेंटेन करती है, जिसको कि हम फील्ड वेयर हाउस कहते हैं, ओके। फिर आता है हमारा थर्ड, जो कि है कोल्ड स्टोरेज। लिखा है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर पेरिशेबल अगेंस्ट पेमेंट ऑफ अ स्टोरेज चार्ज फॉर द स्पेस यूटिलाइज्ड बाय द डिफरेंट पार्टीज। कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या होता है? पेरिशेबल, सबसे पहले पेरिशेबल का मतलब वैसे गुड्स जो कि आपका जल्दी स्पॉइल हो जाए, है ना। तो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस वैसे वेयर हाउस होते हैं जो कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट वहाँ पे होता है, जिनको कि कोल्ड स्टोरेज का रिक्वायरमेंट होता है, या फिर नॉर्मली कोई आइसक्रीम है या कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स है, या फिर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज का रिक्वायरमेंट होता है, तो उनको वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो वैसे वेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ टाइप पे, जो कि है हमारा एग्रीकल्चर वेयर हाउस। लिखा है दीज वेयर हाउसेज आर मेंट फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन इन अ सर्टेन एरिया एंड आर लोकेटेड इन असेंबलिंग और रेगुलेटेड मार्केट। ओके, इसका मतलब क्या है कि वैसे प्रोडक्ट्स बेसिकली जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मतलब कि एग्रीकल्चर ग्रोन प्रोडक्ट्स हैं, और जिनको कि गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लेती है वैसे वेयर हाउसेज को, और उनको कहाँ पे, वैसे ऐसे वेयर हाउसेज कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स काफ़ी मशहूर होते हैं, वहाँ पे ऐसे वेयर हाउसेज होते हैं, ताकि प्रोडक्ट ग्रो होने के बाद डायरेक्ट उस गोडाउन में, कह सकते हो, या फिर वेयर हाउस में चला जाता है और वहाँ उसको असेंबल रीअसेंबलिंग की जाती है, उसकी इसको सही किया जाता है, बेचने लायक बनाया जाता है, और उसके बाद फिर उसको बेच दिया जाता है वहाँ पे, जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो शुगर एफ सी आई गोडाउन, या फिर आप देख लो वीट FCI गोडाउन, ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे जो हैं वेयर हाउसेज, वो उस एरिया में होते हैं जो एरिया इस प्रोडक्ट के लिए काफ़ी मशहूर होता है। ओके, सो ये आपका था फोर्थ नंबर एग्रीकल्चर वेयर हाउस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है आपका डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस। लिखा है दीज वेयर हाउसेज आर लोकेटेड क्लोज टू द मैनुफैक्चरिंग कंसर्न्स और द कंज्यूमिंग एरियाज एंड टेक टाइम फॉर ट्रांजिट। यानी कि ये वैसे जगह पे होते हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट्स का, है ना, जहाँ पे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी के आसपास में ये वेयर हाउसेज होते हैं, ताकि जैसे ही सामान बन जाए तुरंत इसको डिलीवरी के लिए भेज दिया जाए उस वेयर हाउस में, और फिर आगे का प्रोसेस हो सके ट्रांजिट का, ठीक है, ट्रांजिट वगैरह का प्रोसेस ईजिली हो सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर D1 वेयर हाउस है, D1 मतलब डिस्ट्रीब्यूशन 1 वेयर हाउस, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन 2 वेयर हाउस,
और फिर डिस्ट्रीब्यूशन 3 वेयर हाउस। तो ये सारे वेयर हाउसेज में उन प्रोडक्ट्स को रखा जाता है और तुरंत उसको टाइमली डिलीवरी की जाती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और इसको कहाँ पर रखा जाता है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है प्रोडक्ट वहीं पे इसको रखा जाता है, ठीक है। जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वहीं पे इस प्रोडक्ट को रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका बफर या सेफगार्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज। लिखा है दीज वेयर हाउसेज आर बिल्ट एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस विद एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, दे स्टोर फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। अब जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे हमको फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का रिक्वायरमेंट होगा, तो अब उन सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को भी सेफ्टी का रिक्वायरमेंट है, सीड्स को सेफ्टी का रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके लिए अलग वेयर हाउस बनाते हैं जहाँ पे हम इन सारे पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स और सीड्स को रखते हैं ताकि वो सही तरीके से वहाँ रहे, ठीक है। जैसे कि भोपाल में कोई अगर फैक्ट्री है तो उसमें जो उस फील्ड में उसके एग्रीकल्चर एरिया में जो भी फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का रिक्वायरमेंट है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम भोपाल में उसी जगह पे एक वेयर हाउस बना के रखे हैं जहाँ पे हम पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह को रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बफर स्टॉक बफर स्टोरेज वेयर हाउस हो गया। लास्ट आता है हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वेयर हाउस। इसमें लिखा है दीज वेयर हाउसेज आर लोकेटेड near the ports from where international trade is undertaken. They provide transit storage facilities for break, bulk packaging, inspection, marking, etc. are available at these warehouses. ये warehouse basically ports के आसपास ही located होते हैं. क्यों इसका रीज़न ये है कि जब भी रिक्वायरमेंट होता है प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट या प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने का, वो तुरंत उस प्रोडक्ट्स को पहले क्या करते हैं, बल्क में उनके पास अवेलेबल होता है, उसकी वो पैकेजिंग करते हैं, उसका वो इंस्पेक्शन करते हैं, उसको मार्क करते हैं और बाकी के भी जो प्रोसेस होते हैं उनको कंप्लीट करके और फिर वो उसको आगे बेच देते हैं इन द सेंस उसको फर्दर पोर्ट में शिपिंग के लिए फिर वो प्रोडक्ट्स को रख देते हैं, ठीक है। तो ये जनरली पोर्ट्स के आसपास ही होते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसे वेयर हाउसेज को हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वेयर हाउस, जहाँ से आप आराम से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके वेयर हाउस में रख सको और जहाँ पर आप आराम से प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करके वेयर हाउस में रख सको, इम्पोर्ट करने के लिए वेयर हाउस में रख सको और एक्सपोर्ट करने के लिए वेयर हाउसेज में रख सको, ठीक है। तो यही था आपका टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग। आई होप कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक आइडियल वेयर हाउस के लिए। कोई भी डाउट है अगर आपको टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग में, डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज।